नमस्कार, मैं प्रिया। आज 18 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में इस बार दाल के उत्पादन में वृद्धि के आसार। इस मामले में अब वाहन का ट्रांसफर करना होगा अनिवार्य। बिहार इंटर के इतने लाख विद्यार्थी होंगे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में पंजीकृत। बिहार के 12 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। प्रखंडों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन आज से होगा शुरू। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने निकाली रिक्तियां। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के कुल मिलाकर 90 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास आर्किटेक्चर में डिग्री, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bsf.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। प्यासे परिंदे के लिए छतों पर और बालकनी में पानी रखने की अपील। बिहार में तपती गर्मी का सितम जारी है। दोपहर के बाद लोगों का घरों से बाहर निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। हालांकि आम आदमी के पास तो धूप से बचने या प्यास लगने पर पानी पीने का विकल्प तो होता है, लेकिन बढ़ती गर्मी पशु पक्षियों के लिए आफत बन जाती है। ऐसे में अब आपदा प्रबंधन की तरफ से अपील की गई है कि दोपहर के वक्त घर में ही रहे। इसके साथ ही पक्षियों को तपती गर्मी से बचाने और उनकी प्यास बुझाने के लिए भी आपदा प्रबंधन विभाग ने एक कवायद शुरू की है। इसके तहत घरों और कार्यालयों के छतों पर मिट्टी के बर्तन में पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसी के तहत ही आपदा प्रबंधन विभाग सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने सभी लोगों से अपील की है कि अपने घरों की छत पर बालकनी, झरोखे, बरामदे, गार्डन में चिड़ियों के लिए पानी रखें और दूसरे को भी प्रेरित करें। इस मामले में अब वाहन का ट्रांसफर कराना होगा अनिवार्य। वाहन ट्रांसफर संबंधित मामले में परिवहन विभाग की तरफ से वैसे ही कई नियम कानून लागू किए गए हैं। इसी कड़ी में अब वाहन मालिक की जान जाने की स्थिति में एक नया नियम बहाल किया गया है, जिसके तहत ही वाहन मालिक की जान जाने के मामले में वाहन का ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा। ध्यान रहे, बिना ट्रांसफर कराए संबंधित व्यक्ति द्वारा वाहन चलाते पकड़े जाने पर मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि विभाग को विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि परिचालन के अयोग्य अथवा विनिष्ट वाहनों के निबंधन संख्या का उपयोग वाहनों में किया जा रहा है, जिसका अवैध कार्यों के लिए उपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार इंटर के इतने लाख विद्यार्थी होंगे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में पंजीकृत। बिहार बोर्ड अपनी सभी छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकृत होने का मौका दे रहा है। अब इंटर के छात्रों को ये मौका मिलने वाला है। पंजीकृत होने के बाद हर तरह की छात्रवृत्ति की जानकारी मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरमीडिएट के 6 लाख छात्रों और छात्राओं को इसका मौका मिलने वाला है। साथ ही साथ छात्रों को रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। इसके लिए बिहार बोर्ड कोटिवार छात्रों का कट ऑफ जारी करेगा, जो इसमें आयोग उन्हें NSP में निबंधित किया जाएगा। बिहार बोर्ड की माने तो प्रथम श्रेणी में इस बार 4,52,171 विद्यार्थी शामिल है, वहीं दूसरी श्रेणी में भी कई छात्र शामिल है। बिहार को मिलने वाली है एक्सप्रेसवे की सौगात। बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश के 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को राजधानी पटना के माध्यम से भागलपुर तक विस्तारित करने की योजना बनाई है। सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस बात की पुष्टि की है। लखनऊ से बक्सर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अब पटना के रास्ते भागलपुर तक बढ़ाया जाएगा। नितिन नवीन की माने तो केंद्र सरकार की एक टीम जल्द ही इसके लिए राज्य का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नई दिल्ली में नितिन नवीन और केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमानी के बीच बैठक संपन्न हुई। इसमें भारतमाला परियोजना के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विस्तार और राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर अन्य लंबित कार्यों पर सहमति बनी। बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के आने जाने के समय पर रखेगी नजर। बिहार की नीतीश सरकार अब जल्द ही अपने सरकारी कर्मचारियों की पहचान बनाने वाली है। इसी के तहत अब राज्य के सभी जिलों के सरकारी कार्यालयों में भी 1 जून से बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना होगा। इसके लिए राज्य के मुख्यालय स्थित कार्यालयों यानी कि सचिवालय और निदेशालय, जहां पहले से बायोमेट्रिक सुविधा है, वहां अब आधार पर आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की जा रही है। यानी कि अब राज्य के सरकारी कार्यालय में देर से आने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर अब आसानी से इन्हें चिन्हित किया जा सकेगा। इस बाबत गृह विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, रेंज आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है।
प्रखंडों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन आज से होगा शुरू। बिहार के सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन आज से शुरू होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सूबे के प्रखंडों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन सोमवार से शुरू हो रहा है, जो कि 22 अप्रैल तक चलने वाला है। इस कार्यक्रम के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सारी जानकारी साझा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रत्येक प्रखंड में किसी एक दिन स्वास्थ्य मेला लगेगा। इसके तहत राज्य के 38 जिलों के सभी प्रखंडों में शुरू होने वाले स्वास्थ्य मेले में विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी, जो हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए होगी। बिहार में रैयत किसान और बटाईदार बेच सकेंगे इतना क्विंटल गेहूं। बिहार में गेहूं की सरकारी बिक्री का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसी बीच 20 अप्रैल से प्रदेश में 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की सरकारी खरीद होगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पैक्स और व्यापार मंडल में रैयत किसान अधिकतम 150 क्विंटल और बटाईदार 50 क्विंटल गेहूं बेच सकेंगे। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। पैक्सों को आगाह किया गया है कि किसानों या बटाईदारों की गेहूं खरीद में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा होने पर पैक्स के साथ संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई तय है। बिहार में आईटीआई भाषा परीक्षा के लिए आज से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। बिहार में आईटीआई भाषा परीक्षा के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने वाली है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक आज यानी 18 अप्रैल से एक्टिव हो जाएगी। बोर्ड की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 मई 2022 निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो बिहार आईटीआई के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए उन्हें बता दें कि एग्जाम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में स्वीकार्य किया जाएगा। आईजी विकास वैभव ने युवाओं को अपनी क्षमता पहचानने के लिए किया प्रेरित। बीते दिन आईजी विकास वैभव द्वारा संचालित लेट्स इंस्पायर बिहार के नालंदा चैप्टर द्वारा बिहार शरीफ के टाउन हॉल में युवा संवाद सह नालंदा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ही राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को लेकर आईजी विकास वैभव ने कहा कि मेरे जीवन में नालंदा ने परिवर्तन किया है। बचपन में एक बार जब हम नालंदा खंडहर घूमने आए थे तो यहां की दीवारों को जब देखा तो लगा कि किस तरह नालंदा ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने पूर्वजों को भूलना नहीं चाहिए। पूर्वजों को याद रखने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। बिहार के 12 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। बिहार के सभी जिलों में बढ़ती गर्मी को लेकर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। लू के कारण कई जिले प्रभावित हैं। इसी को लेकर अब मौसम विभाग ने बिहार में अलर्ट जारी किया है कि 12 जिलों में गर्म पछुआ हवाओं की वजह से तापमान 43 डिग्री के पार जा सकता है। 16-17 अप्रैल को सर्वाधिक तापमान 43.6 डिग्री बांका में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सीतामढ़ी में रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में मौसम विभाग ने दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। बिहार में बटे सिर्फ इतने ही वोटर आईडी कार्ड। डाक विभाग उप निर्वाचन अधिकारी के पास सैकड़ों वोटर आईडी कार्ड वापस करने को मजबूर है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार वोटर आईडी कार्ड पर गलत और अधूरा पता सूबे के डाकियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। निर्वाचन मुख्यालय की तरफ से डाक विभाग को 18 जिलों में वोटर आईडी कार्ड वितरण करने की जिम्मेदारी दी गई है। 26 फरवरी से वितरण शुरू हुआ था। जानकारों की माने तो निर्वाचन मुख्यालय से डाक विभाग को लगभग 2,81,702 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, लेकिन 3 अप्रैल तक 1,78,584 कार्ड ही बांट सके हैं। ऐसे में केवल 63% ही कार्ड ही बांटा गया है। मिली जानकारी के अनुसार पटना सहित सूबे के 18 जिलों में वोटर आईडी कार्ड वितरण का कार्य चल रहा है। सबसे कम कार्ड का वितरण कटिहार में किया गया है। अगले साल तक 7500 मेगावाट से अधिक बिजली की मांग पूरी कर सकेंगे सूबे के ग्रिड। बिहार बिजली के क्षेत्र में हर दिन के साथ आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। बिहार में बिजली की बढ़ती मांग और राजधानी सहित सभी जिलों में 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था मजबूत हो चुकी है। ऊर्जा विभाग के मुताबिक इस साल ट्रांसमिशन की कई परियोजनाएं पूरी होंगी। सरकारी योजनाओं के मुताबिक साल 2023-24 में सूबे की पीक डिमांड 7521 मेगावाट होने की संभावना जताई गई है। इसको देखते हुए इससे पहले ही उसकी पूर्ति के लिए जरूरी 13,540 मेगावाट क्षमता से अधिक का ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार होगा। सीतामढ़ी और सहरसा में 400 केवी पावर ग्रिड, रक्सौल में 220 केवी ग्रिड उपकेंद्र मार्च 2023 से पहले पूरा होगा। इसके साथ ही 664.76 करोड़ की लागत से बख्तियारपुर में 400 केवी जीआईएस ग्रिड उपकेंद्र राज्य योजना से 2,149 करोड़ की लागत से 7 नए ग्रिड उपकेंद्र, 817 करोड़ की लागत से 3 ट्रांसमिशन लाइन सहित कई परियोजनाएं इस साल पूरी होंगी।
रोहतास के मांझरकुंड और धुआंकुंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझरकुंड और धुआंकुंड एक जलप्रपात या झरना है जो अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पहाड़ से गिरते पानी को देखना एक अलग ही रोमांचक एहसास होता है और इसी को देखने और प्राकृतिक खूबसूरती का एहसास करने बिहार से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पर्यटक आते हैं। पर्वत पर काव नदी का पानी एक धारा बनाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए मांझरकुंड के जलप्रपात में इकट्ठा होता है। वहीं मांझरकुंड में कुछ दूरी पर 36.5 मीटर की ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरने वाले पानी के उठते धुंध को लेकर उस स्थान को धुआंकुंड का नाम मिल रहा है। यह स्थान युवा और सभी के बेहतरीन पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित है। सावन खत्म होने के तुरंत बाद के रविवार को यहाँ लोगों की भीड़ पिकनिक मनाने के लिए सबसे ज्यादा इकट्ठा होती है। 6 करोड़ की लागत से बिहार में यहां बनेगा हैप्पी स्ट्रीट। राजधानी पटना में भी आने वाले दिनों में पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत गांधी मैदान के इलाके में हैप्पी स्ट्रीट देखने को मिलने वाला है। अभी तक यह स्ट्रीट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटी में ही देखने को मिलती थी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार हैप्पी स्ट्रीट परियोजना के तहत गांधी मैदान के आसपास के क्षेत्रों को एक प्रमुख हैंगआउट स्पॉट बनाया जाएगा। हैप्पी स्ट्रीट परियोजना होटल मौर्या के पास से जेपी गोलंबर से लेकर शहीद पीर अली खान पार्क तक विकसित की जाएगी। इसके तहत जेपी गोलंबर और शहीद पीर अली खान पार्क को रंग बिरंगे खूबसूरत लाइटों से सजाया जाएगा। आपको बता दें कि बिस्कोमान भवन को खूबसूरत बनाने के लिए उस पर लाइटनिंग की जाएगी, जिससे उम्मीद है कि आने वाले समय में पटना में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में इस बार दाल के उत्पादन में वृद्धि के आसार। बिहार में इस बार रिकॉर्ड स्तर पर दाल का उत्पादन होने का अनुमान है। राज्य सरकार ने केंद्रों को 2021-22 का जो आकलन भेजा है उसके अनुसार इस बार उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जगी है। अभी तीसरी फसल कटनी रिपोर्ट में ही लगभग 10,000 टन अधिक दाल के उत्पादन की उम्मीद जगी है। अंतिम रिपोर्ट आने तक इस आंकड़े में और वृद्धि होगी। यह राज्य ही नहीं देश के लिए भी एक सुखद संकेत है। पूरे देश में दाल की किल्लत है, ऐसे में दाल के उत्पादन में बिहार में वृद्धि होना अच्छा संकेत है। बिहार अपनी जरूरत का 1/4 दाल का भी उत्पादन नहीं कर पा रहा है। 3 प्रजातियों की खेती के लिए अनुमति मिलने के बाद खेसारी और मूंग की खेती अच्छी हुई है। धू धू कर राख हो गई 200 एकड़ की तैयार फसल। बीते दिन छपरा शहर के दरियारपुर प्रखंड में एक झटके में किसानों की मेहनत खाक हो गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि गर्मी के कारण आग की घटना जिले के दरियापुर प्रखंड के हरदिया छेवर स्थित मठ ककरा में हुई। इस घटना में 200 एकड़ गेहूं की फसल राख हो गई है। किसान अपनी फसल में आग लगा देख भागते हुए खेत तक पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इस बीच घटना की सूचना स्थानीय थाना को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर दरियापुर रेल चक्का कारखाना, नया गांव और सोनपुर की अग्निशमन दल पहुंच गई। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान घटनास्थल पर कई वरीय पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। हादसे की सूचना मिलते ही सांसद राजीव प्रताप रूडी पीड़ित किसानों को सहायता दिलाने के लिए प्रयास में जुट गए। बॉलीवुड में धमाल मचाएगी भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा अक्षरा सिंह जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। वो सलमान खान की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान फेम कोरियोग्राफर आदिल शेख के साथ नजर आने वाली है। ये अक्षरा का बॉलीवुड प्रोजेक्ट होगा। इसकी जानकारी खुद अक्षरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है। अक्षरा ने सूचना देते हुए लिखा कि कुछ बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग आने वाला है, जिसे डायरेक्ट आदिल शेख ने किया है और कंपोज शमीर टंडन ने किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए और इस ड्रीम टीम के साथ काम करना सम्मान की बात है, जिससे अब उनके फैंस यही अनुमान लगा रहे हैं कि भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह एक बार फिर से बड़ा धमाल मचाने वाली है। पटना से समस्तीपुर के बीच बनेंगे 4 और छोटे पुल। बिहार के नीतीश सरकार बिहार में एक के बाद एक सड़कों का जाल बिछाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार बख्तियारपुर ताजपुर पुल के निर्माण के साथ इसके अप्रोच रोड के अलाइनमेंट में 4 छोटे पुल और 2 रेल ओवरब्रिज का भी निर्माण करवाने वाली है, जिसका निर्माण समस्तीपुर जिले में होना है। इसके निर्माण कार्य के पूरा होने के साथ ही उत्तर बिहार से पटना पहुंचने के लिए एक और विकल्प मिल जाएगा, यानी कि इस पुल के जरिए उत्तर और दक्षिण बिहार का संपर्क और भी अधिक आसान हो जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बख्तियारपुर ताजपुर पुल के साथ जिन 4 जगहों पर अन्य छोटे पुलों का निर्माण कराया जाना है उनमें 2 पटना जिले में भी है। बोचहा में एनडीए प्रत्याशी को मिली हार पर सीएम नीतीश ने कही बड़ी बात। बिहार में हाल ही में बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम जारी हुआ, उसमें ही भाजपा को बड़ी हार मिली, जिसके तहत ही बोचहा सीट पर एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी को जनता ने नकार दिया। हालांकि अब तक इस चुनाव के परिणाम पर जेडीयू की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, लेकिन बीते दिन सीएम नीतीश ने बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने इस पर कुछ भी रिएक्ट करने से पहले तो इनकार कर दिया, जिसके तहत ही नीतीश कुमार ने इस पर कुछ भी खास कहने से इनकार किया और साथ ही चुनावी हार के कौन से कारक जिम्मेदार रहे हैं इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान दिवंगत नवर किशोर रॉय के निधन के बाद उन्होंने कहा कि रॉय से मेरा पुराना संबंध था, मुझे इस घटना से काफी दुख हुआ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के समय में उनसे मेरा संबंध था, जनता के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, उनके निधन से मुझे बेहद दुख है।
चुनाव परिणाम में एनडीए उम्मीदवार को जनता ने जोड़ा है तमाचा। हाल ही में बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम जारी हुआ, जिसमें ही राजद को जीत मिली है। वहीं जनादेश की बदली रुख ने राजद खेमे में खुशी की लहर भर दी है, जिसके बाद ही अब चुनावी परिणाम पर तेजस्वी ने अपना रिएक्शन दिया है, जिसके तहत बोचहा विधानसभा सीट पर मिली जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जीत जनता की है। तेजस्वी ने इस जीत के लिए बोचहा की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस जीत से भाजपा और उनके साथी संबंधियों को जनता ने तमाचा जड़ा है। सुशील कुमार मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का धन्यवाद किया, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि एनडीए सरकार के निरंतर प्रयास से बोधगया दुनिया के बौद्ध पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभरा है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ होना बौद्ध पर्यटन के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बिहार सरकार ने सांस्कृतिक केंद्र के लिए भूमि उपलब्ध कराई है और 52 करोड़ रुपए का योगदान किया। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद। सुशील मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बोधगया हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया, जिससे बिहार में बौद्ध पर्यटन को नए पंख मिले हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां ने 1612 में मुमताज से निकाह किया। महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह के लिए बिहार के चंपारण का चयन किया। विनोबा भावे ने 1950 में आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना में पचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की। सम्राट अशोक नामक देश का पहला जम्बोजेट विमान 747 सन 1971 में मुंबई में उतरा। सन 1991 में केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ। पाकिस्तान ने 2008 में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की सजा को 1 महीने के लिए टाला। भारत और मेक्सिको ने 2008 में नागरिक उड्डयन और ऊर्जा के क्षेत्र में नए समझौते किए। सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 में हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम ढिल्लों का जन्म 1961 में हुआ। 1859 में वीर पुरुष और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति तात्या टोपे का निधन हुआ। 1959 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार बारिंद्र कुमार घोष का निधन हुआ। आधार कार्ड को अपने क्षेत्रीय भाषा में भी कर सकते हैं अपडेट। आधार कार्ड का इस्तेमाल बच्चों के स्कूल के एडमिशन से लेकर कॉलेज एडमिशन तक, इसके साथ ही यात्रा के दौरान आईडी प्रूफ की तरह बैंक में खाता खुलवाने के लिए या डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए हर जगह इस कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। देश में बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है तो अंग्रेजी भाषा ना जानकर केवल अपने लोकल भाषा जानती है। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए UIDAI ने आधार कार्ड को लोकल यानी कि क्षेत्रीय भाषा में भी अपडेट कराने की सुविधा प्रदान की है। अगर आप अपने आधार कार्ड में किसी तरीके की गलती को अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप आधार कार्ड जारी करने वाली संस्थान UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। चेन्नई को हराकर टॉप पर कायम गुजरात टाइटंस। बीते दिन खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को एक रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 169 रन बनाए हैं। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने 19.5 ओवर में 7 विकेट खोकर 170 रन बनाकर ये मैच अपने नाम कर लिया। हालांकि बीते दिन खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआती 2 ओवरों में टीम ने 2 विकेट खोए हैं। पावर प्ले में गुजरात ने 3 विकेट खो दिए। साह 11 रन बनाकर आउट हुए। तेवतिया ने 14 गेंद में 6 रन बनाए। इससे पहले चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही थी। वहीं आज खेले जाने वाले मैच की बात करें तो आज एक बार फिर से कोलकाता और राजस्थान एक दूसरे के साथ भिड़ने वाले हैं, जिसका प्रसारण शाम 7:30। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ज्ञान चौधरी, राशिद आलम, नुनू कुमार, राकेश कुमार, सुषमा कुमारी, नवीन मिश्रा, नितिन कुमार, बी कुमार, मोहम्मद शाहिद कमल, जितेंद्र ठाकुर, विकास कुमार, नंद कुमार सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के किस कवि ने बिहार का मान सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम किया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।